नमस्कार, आप लोग के समक्ष मैं हूं प्रिंस गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 24। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के कटिहार और कटिहार के मनिहारी घाट पर है और आपको पता है कि बिहार में छठ महापर्व के नाम से जाना जाता है और छठ की आज पहली अर्घ होनी है, जिसको लेकर हम मनिहारी घाट पहुँचे हैं। और आप देखिए मनिहारी घाट को किस तरीके से सजाया संवारा गया है। कुछ युवा लोग हैं इधर जा रहे थे तो हमने इनको रोका, हमने कहा पहले बात कर लो। कहाँ लेके जा रहे हैं सब? घाट सजाने। घाट सजाने आप? घाट सजाने जा रहे हैं। कैसा चल रहा है तैयारी? बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है। हर बार की व्यवस्था सबसे बेहतर व्यवस्था इस बार है। अच्छा, बेहतर व्यवस्था है। तो मनिहारी मुख्य पार्षद भी हैं हमारे साथ, सबसे पहले स्वागत है सर आपका। और ये बताइए कि किस तरीके से इस बार तैयारी की गई है? सबसे पहले तो आप लोगों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग मनिहारी घाट आ करके मनिहारी छठ घाट का तैयारी का जायज़ा ले रहे हैं और इसके साथ आस्था का महापर्व छठ का पूरे बिहार वासियों को हम सबका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं मेरे तरफ से। और चूंकि हम मुख्य पार्षद हैं और समाज सेवी भी कहा जाए हैं, तो अपने नगर के तरफ से जो होना था सारा व्यवस्था किया गया है। आप लाइटिंग का व्यवस्था देख रहे हैं, निःशुल्क शौचालय का व्यवस्था है, साफ़ सफाई, सबसे पहले साफ़ सफाई पर ध्यान दिया गया है और वस्त्र परिवर्तन जगह जगह पर लगाया गया है कि हमारे बहनों माताओं को कोई दिक्कत नहीं हो। और अभी भी हम सुबह से विजिट कर रहे हैं और अगर कहीं कोई कमी बेसी जैसे कि हमको समझ में आ रहा है तो अभी भी आदमी मेरा लगा हुआ है और उसको करा रहे हैं। जैसे कि इस बार पहली बार हम अपने निजी कोष से जो है, जहाँ पे गाड़ी फोर व्हीलर नहीं चढ़ेगी, तो हम नया कालिंग मंगवाए हैं, उसको भी बिछाने का काम कर रहे हैं। आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से आए? नेपाल से आए। हाँ, कहाँ? मनिहारी घाट आना हुआ? मनिहारी घाट में यहाँ नहाने के लिए। अच्छा अच्छा। और हम लोग ये पहली बार सब आया है। मनिहारी घाट नेपाल कहाँ से आए? नेपाल विराटनगर। विराटनगर। हाँ, हर साल आते हैं मनिहारी घाट? मनिहारी घाट सब साल आते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है व्यवस्था? ठीक है, मनिहारी बहुत अच्छा लग रहा था, लगला है। फिर यही दिन में आते हैं, एकदम बहुत शो आता है। सांझ में जब आते हैं ना, ये साल रमझम हो जाता है। हाँ, इसीलिए बढ़िया लगता है। हम लोग लास्ट दिन में आते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? अपना? हमारा नाम भूपनरेंद्र मांझी है। भूपनरेंद्र मांझी। मांझी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे तरफ से भी शुभकामनाएं आपको छठ को लेकर। तो देखिए, जिस तरीके से हम चर्चा कर ही रहे थे आपको इस वीडियो के माध्यम से कि मनिहारी घाट सीमांचल का इकलौता घाट है जो कि बेहद खास है कई मायनों में, क्योंकि पहली बात तो यह है कि उत्तर वाहिनी मोक्ष की घाट कही जाती है और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सीमांचल के जितने भी एरिया हैं, खास करके कटिहार की बात कर ले, पूर्णिया की बात कर ले, अररिया की बात कर ले, किशनगंज की बात कर ले, चाहे सुपौल की बात कर ले, इन सभी जिलों से यहाँ पर छठ के समय खास करके तकरीबन 15 से 20 लोग आते हैं और उसके बाद छठ के दिन जो पहली अर्घ है, जिसको लेकर हम आज मनिहारी घाट पहुँचे हुए हैं, वो हम आपको बताने जा रहे थे कि किस तरीके से। आप देख लीजिए कि मनिहारी घाट सज के तैयार है और थोड़ी देर के बाद ही पहली अर्घ आज दी जाएगी इस घाट पर। और ये कुछ वो दृश्य है घाट का, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, घाट सजना तैयार हो गया है। खास करके जो बैरिकेटिंग होती है ये तो प्रशासनिक तौर पर दिया जाता है और जो ये लाल झंडा है, हम कहेंगे कैमरा पर्सन से उधर दिखाने, ये जो लाल फ्लैग है, रेड फ्लैग जो लगाया जाता है, ये एक निशानी है कि जिनको भी स्नान करना है, चाहे वो छठ के लिए आ रहे हों या किसी अन्य काम के लिए भी, क्योंकि बहुत ऐसे अनुष्ठान हैं जो इस घाट पर किए जाते हैं, तो बैरिकेटिंग दी गई है ताकि आप इस बैरिकेटिंग के बाहर ना जा सकें। और जो किसी भी तरीके का जो प्रशासनिक तौर पर जो तैयारी होती है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना, कैजुअलिटीज़ ना हो, जैसे कि तैयारी होती है सरकार की तरफ से और सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारी की तरफ से, तो ये हमने आपको दिखाया कि मनिहारी घाट का क्या हाल है और छठ की पहली अर्घ को लेकर मनिहारी बिहार और कटिहार कितना। मनिहारी में जो गंगा घाट है वहाँ पर दीपावली के अगले दिन से ही काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान के लिए आते हैं और अनुमंडल प्रशासन और नगर पंचायत मिलकर के सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे किए हुए हैं। मुझे लगता है कि अगले पिछले 5 दिन में कम यहाँ पे 8-10 लाख के आसपास यहाँ पे श्रद्धालुगण हर जगह से आए थे जो गंगा स्नान किए और गंगा जल लेकर के गए हैं। आज हमारा मेन छठ का जो
शाम में अर्घ होता है वो है, और कल सुबह में है, परसों से नायक है शुरू हुआ था। तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है, जो भी जितने भी घाट हमारे हैं सब पे साफ सफाई से लेकर के घाट का बनाया गया है। नगर पंचायत काफ़ी सक्रिय रहा है, कुछ घाट है जहाँ पे कुछ और काम की ज़रूरत थी वो भी हम लोग अभी करवा रहे हैं। सुरक्षा की सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है और सबके सहयोग से मुझे उम्मीद है कि हर साल की तरह हम लोग अच्छी तरह से छठ पर्व भी मनाएंगे। पर्व पर पुलिस के द्वारा सभी जगह पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, तथा ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के अलग से विशेष व्यवस्था की गई है। और हम लोग अनुमंडल प्रशासन और नगर पंचायत तथा प्रखंड के प्रशासन के साथ मिलकर सभी जगह जितने घाट हैं अनुमंडल में सभी जगह हम लोग पुलिस की व्यवस्था कर रहे हैं, तथा ताकि सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था रहे और किसी को कोई कठिनाई नहीं हो। जितनी अच्छी व्यवस्था हम लोग दे सकते हैं उससे ज़्यादा अच्छा व्यवस्था देने का हम लोग प्रयास। ताजिम हुसैन के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24 मनिहारी।